गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट हो गया क्योंकि हमारे एग्जाम भी बहुत नज़दीक है, इसलिए हमको इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर लेना है। और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का तरीका दो तरह से होता है, या तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से या फिर कांग्रेस से। तो हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसको जाके आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और हम लोग अभी कांग्रेस का गठन के बारे में, कांग्रेस से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं नया सीरीज में। लेट्स क्रैक बीपीएससी नाम से प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि हमारा बीपीएससी का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और इसे हमें क्रैक करना है, तो इसको आप लोग जरूर देखिए। और मेरा प्रयास रहेगा कि हम लोग एक सीट जरूर ले इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कांग्रेस के पहले कौन कौन से गठन संगठन हैं जो भारत में काम कर रहे हैं अंग्रेजों के विरुद्ध। और अब हम लोग हमने देखा कि कांग्रेस का गठन कैसे होता है और उनके अध्यक्ष कौन थे और क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो अब हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस का अधिवेशन जो हर साल हो रहा था, जिससे ढेर सारे क्वेश्चन आते ही आते हैं, जिसको पढ़ना और याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। और याद कैसे रहेगा, हम लोग इसको मल्टीपल रिवाइज करेंगे तभी याद रहता है। और इसलिए हम लोग इसको अब जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे कि कौन कौन से अधिवेशन थे और इसका मुख्य तथ्य क्या था। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण अधिवेशन। सबसे पहला अधिवेशन जब कांग्रेस का गठन होता है तभी पहला अधिवेशन हो जाता है। स्थान 1885 टाइम था, स्थान था बॉम्बे और अध्यक्ष थे ब्योमेश चंद्र बनर्जी। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था यह और इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें कि मुस्लिम सदस्य दो थे और महिला एक भी नहीं थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसमें भाग नहीं लिया था। दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से बदल करके राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, दादा भाई नौरोजी की सलाह पर। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस लगातार आते हैं कि कितने सदस्य थे, पहला अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष कौन थे और किसने सलाह दिया था कांग्रेस नाम बदलने के लिए। तो ये सारे तथ्य इंपॉर्टेंट हैं, जिसको आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। और दूसरा अधिवेशन होता है 1886 में, स्थान था कलकत्ता और अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तथ्य, प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी पारसी थे और प्रथम पारसी अध्यक्ष यहाँ पे आते हैं। और ये तीन बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं 1886 में कलकत्ता में, 1893 में लाहौर में, 1906 में कलकत्ता में। तो दादा भाई नौरोजी तीन बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। और मुस्लिम सदस्य इसमें 33 मुस्लिम सदस्य हिस्सा लेते हैं, पहले वाले दो और इसमें 33। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले, यह पहले भारतीय थे हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले। और ड्रेन वेल्थ थ्योरी, धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इन्होंने सबसे पहले बताया कि भारत से धन को विदेशों में कैसे भेजा जा रहा है, क्योंकि अभी तक लोगों को ये भी नहीं पता था कि हम गुलाम हैं और हमारा धन, हमारा शोषण हो रहा है, हमारे धन को विदेशों में भेजा जा रहा है। तो इनकी थ्योरी के बाद लोगों को पता चला कि हम लोग गुलाम हैं और हमारे धन को हमें बताए बिना विदेशों में भेजा जा रहा है। तो ड्रेन वेल्थ थ्योरी के बाद ही लोगों को ये पता चला कि हमारे धन का निष्कासन हो रहा है बाहर विदेशों में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है जो कि क्वेश्चन में आता रहता है। प्रॉपर्टी एंड अनप्रिंटिस रूल्स ऑफ इंडिया, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। और तीसरा अधिवेशन 1887 में होता है, स्थान था मद्रास, अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। और तीसरे महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष यहाँ पर प्रथम पारसी अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तीसरे वाले में आते हैं। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना की, लॉर्ड डफरिन यहाँ पे कांग्रेस की आलोचना करते हैं और बताते हैं कि ये अति अल्पसंख्यक लोगों का समूह है, क्योंकि इसमें वकील हैं, बड़े बड़े लोग ही इसमें थे और छोटे छोटे लोगों को नहीं रखा गया, जैसे लॉर्ड डफरिन यहाँ पे इसकी आलोचना करते हैं। कांग्रेसी बनो का नारा, यहाँ पे सबसे पहले कांग्रेसी बनो का नारा दिया जाता है, सबसे पहले कांग्रेसी बनो का नारा यहीं पे दिया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा अधिवेशन कहाँ होता है, 1888 में, स्थान था इलाहाबाद, अध्यक्ष थे जॉर्ज जूल। और तथ्य, इसका तथ्य क्या था, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज जूल यहाँ पे आते हैं। सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध किया था और सर सैयद अहमद खान कांग्रेस का विरोध करते हैं और सरकारी अधिकारियों पर रोक लगा दिया जाता है कांग्रेस में भाग लेने पर इसी वाले अधिवेशन में। लाला लाजपत राय पहली बार इस अधिवेशन में हिस्सा लेते हैं। तो ये चौथे अधिवेशन से बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, जिसको हम लोग को याद रखना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हम लोग एक नज़र डालते हैं कि कैसा अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन हुआ था, कितने सदस्य थे और मुस्लिम और महिला थे कि नहीं। तो 1885 में जो होता है उसमें, तो 1885 में जो अधिवेशन होता है उसमें 72 सदस्य थे, दो मुस्लिम थे और महिला एक भी नहीं थी। 1886 में 436 सदस्य भाग लेते हैं, मुस्लिम 33 थे और महिला एक भी नहीं थी। 1887 में 607 सदस्य भाग लेते हैं, मुस्लिम 81 थे,
1248 सदस्य भाग लेते हैं, मुस्लिम 221 थे और महिला एक भी नहीं थी। और 1889 में 1889 सदस्य भाग लेते हैं, 254 मुस्लिम थे और महिला 10 में से 6, 10 प्रस्तावित थी महिला जिसमें कि 6 भाग लेती हैं, 10 में से 6 महिला भाग लेती हैं। तो सबसे पहले लास्ट वाले में 1889 पांचवा अधिवेशन जो होगा 1889 में, उसमें 1889 सदस्य भाग लेंगे और महिला उसमें 10 में से 6 महिला भाग लेंगी। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यह हमारा यहाँ पे हमने 4 अधिवेशन पढ़ा जिसको आप लोग जाके नोट्स बना लीजिए और इसको रिवाइज कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे बार बार क्वेश्चंस आते रहते हैं हर एग्जाम में, बीपीएससी में आते हैं। कांग्रेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए इसको पढ़ के रिवाइज करना, मल्टीपल रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए और हम लोग कंटिन्यू रहेंगे और हमें अपना एक सीट जरूर लेना है इस बार बीपीएससी में, ये हमने ठान लिया है। और आप लोग भी मेरे साथ तैयारी कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल पे और देखते रहिए लेटेस्ट वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कांग्रेस के आगे के अधिवेशन में। तब तक के लिए वीडियो को ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।